रात गांव में किसी ने चोर चोर कह के अफवाह उड़ा दी, इसलिए रात को ठीक से नींद नहीं आई और सुबह लेट आंख खुली। अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं जा रहा हूँ अभी गांव में दूध लेने के लिए, क्योंकि घर पर भैंस नहीं है तो दूध गांव में ही पड़ोस से लेना पड़ता है। तो दूध ले लिया है, अब चलते हैं घर। घर पहुँचने के बाद सबसे पहले कर रहा है नाश्ता, उसके बाद हमारी पढ़ाई का शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है और मैं अपनी पढ़ाई का पहला स्लॉट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पहली शिफ्ट में मैं पढ़ने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में मुझे टॉपिक कवर करना है पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी गरीबी। तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसमें 2 चैप्टर इंक्लूड है बुक में, तो अच्छे से हमें इसको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, आप पॉवर्टी को एज अ टॉपिक पढ़ें ना कि एज अ चैप्टर। हो सकता है बुक में इस चैप्टर के बारे में कम दिया हो, तो आपको इंटरनेट से रिसर्च भी करना हो सकता है, इसलिए आप सिलेबस लेके फिर इस चैप्टर को या फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करें। दोस्तों, इस चैप्टर में आपको कुछ ही चीज़ों पर ध्यान देना है। एक तो डेफिनेशन पे, पॉवर्टी से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन है, इंडिया में क्या डेफिनेशन है और वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या डेफिनेशन है, पॉवर्टी की किस तरह से कम किया जा सकता है, पॉवर्टी से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई हैं या फिर इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो सब आपको इसमें सही से पढ़ने हैं, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में आपका जो पॉवर्टी टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो पॉवर्टी में एक तरह से एक क्वेश्चन ही बना लें आप, जैसे मान लीजिए पॉवर्टी की एक डेफिनेशन सही से लिख लें, उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा हल्का सा लाइन बॉडी ले लें उसकी, और पॉवर्टी से रिलेटेड कोई भी फैक्ट हो उसको नोट कर लें साथ में, कि पॉवर्टी को कैसे कम कर सकते हैं वो चीज़ ज़रूर लिखें, गवर्नमेंट स्कीम्स लिखें, उसके साथ अपना वे फॉरवर्ड जरूर लिख दें कि हम इन द फ्यूचर इसमें क्या क्या अच्छा कर सकते हैं जिससे कि हमारा देश जो है पॉवर्टी से निकल सके। तो ये सब चीज़ आपको रेडी करनी है, एक तरह से ये समझ लीजिए मेंस का आंसर आपको रेडी करना है पॉवर्टी से रिलेटेड। ऐसा आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बार आपका पॉवर्टी से रिलेटेड आंसर तैयार हो गया, जब भी क्वेश्चन आएगा मेंस में पॉवर्टी से रिलेटेड, आप यही चिपका देंगे वहाँ पर। लगभग 3 घंटे की कंटिन्यूस मेहनत के बाद ये मेरा चैप्टर हो गया है कंप्लीट, और चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मुझे लंच करना है, क्योंकि मुझे है थोड़ा काम, तो काम घर का है इसलिए थोड़ा टाइम भी लग सकता है, और जब काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम अपनी दिन की जो भी प्रक्रिया है वो जारी रखेंगे। तो अब मैं चलता हूँ नीचे, और नीचे जाने के बाद अपना लंच करेंगे, उसके बाद जो भी काम है घर का वो ख़त्म करते हैं। तो आज लंच में मम्मी ने बनाया है छोले और रोटी, अंडा शाम का बच गया था इसलिए अभी उसको फिनिश भी करना है। तो सबसे पहले हम लंच करते हैं, उसके बाद जो भी काम है घर का उसको ख़त्म करते हैं। तो घर का काम हो गया है फिनिश, करीबन 3 से 3.5 घंटे लगे, और मैं आ गया हूँ अपने रूम में स्टडी के लिए। तो अपना स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। तो सुबह न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाए थे इसलिए सबसे पहले न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए किसी दिन आप बीमार हैं, किसी दिन पढ़ाई नहीं हो पाई, या फिर कहीं चले गए, या फिर किसी दिन कोई काम पड़ गया, उस दिन भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ने से ये होता है कि आप जो भी करंट अफेयर्स है उसके टच में रहोगे, साथ ही साथ आपको ऐसा फील रहेगा कि मैं पढ़ाई के टच में हूँ, और आगे आपको एक तरह से मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो अखबार या न्यूज़पेपर आप ज़रूर पढ़ें, सही से पढ़ें। ऐसा ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, तो आज के जो भी आर्टिकल्स हैं मुझे पढ़ने हैं। तो आर्टिकल्स तो कम है, लेकिन जो आपके एडिटोरियल हैं वो सही से हैं, तो इसमें एडिटोरियल सही से पढ़ लेना चाहिए। तो आज के न्यूज़पेपर में आपको 2 टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से, एक तो है इंडिया बांग्लादेश और इंडिया ब्रिटेन का, इससे रिलेटेड आर्टिकल अच्छे खासे दिए हुए हैं, तो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में यही सब पूछा जाता है। सो फाइनली न्यूज़पेपर हो गया कंप्लीट, अब मैं जाता हूँ नीचे, और मैगी बनी है तो मैगी अपना टेस्ट करते हैं पहले, उसके बाद आपसे मिलते हैं।
यहाँ मैंने स्टार्ट किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं फॉलो कर रहा हूँ विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, वो मोर देन सफिशेंट है। अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया बार बार तो उसमें 80-90% करंट अफेयर्स रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि हम सही से रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि बल्कि हो जाता है इतना सारा मटेरियल, इसलिए रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें लगता है कि करंट अफेयर्स बाहर से आया है। बट ऐसा नहीं होता है, करंट अफेयर्स यही मैगजीन या फिर आपके जो मटेरियल होता है उसी से आता है। तो अच्छे से पढ़ें, थोड़ा टाइम लगा के पढ़ें और रिवाइज़ ज़रूर करें अच्छे से। तो यहाँ पर मेरा साइंस एंड टेक का है और साइंस एंड टेक में जितनी भी मेडिकल से रिलेटेड टर्म्स हैं या फिर टेक्नोलॉजी से टर्म है वो अच्छे से पढ़ें। गाँव का इन्वायरमेंट इतना अच्छा होता है कि आप रूम में अगर गर्मी है या फिर लाइट नहीं है तो आप बाहर आकर भी पढ़ सकते हैं। ऐसा ही मैंने किया है, क्योंकि अंदर रूम में काफ़ी गर्मी थी तो बाहर अपनी जो भी चारपाई है वहाँ पर डाली और वहीं पर बैठ के पढ़ने लगे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आप गांव में रह रहे हैं आप पेड़ के नीचे पढ़ सकते हैं या छत पे जाके पढ़ सकते हैं, जहाँ भी आपको सूटेबल लगे, आराम मिले वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. तो दोस्तों यहाँ मैं करता हूँ अपने ब्लॉग का एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और काफ़ी इन्जॉय भी किया होगा। अगर आपके पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी क्वारीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो या फिर कोई भी दिक्कत आए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको स्टडी ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। हार नहीं मानूंगा, मैं चलता रहूंगा, जो मैंने है ठाना वो मैं करके रहूंगा। जिद्दी हूं, जिद पे अड़ा हूं मैं अपनी, ना रोके रुकूं, मैं खुदा से लड़ूंगा। मैं